दोस्तों, इसराइल और लेबनान के बीच एक भयंकर जंग छिड़ चुकी है, जिसमें लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने नॉर्दर्न इसराइल के कई शहरों में ताबड़तोड़ बमबारी को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला की तरफ से हमले इतने भयंकर और तेजी के साथ किए गए हैं कि इसराइल का वर्ल्ड फेमस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी कई मिसाइलों व रॉकेट्स को रोकने में नाकामयाब रहा। आयरन डोम की एक्यूरेसी वैसे तो 90% मानी जाती है, लेकिन जो 10% का गैप है उसे भी हिजबुल्ला ने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर डाला है। हिजबुल्ला के इन हमलों का मेन टारगेट उत्तरी इसराइल का हाइफा शहर रहा, जिसमें कई रहवासी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया गया है। सड़कों पर जगह जगह व्हीकल्स जलकर खाक हो चुके हैं। हाइफा इसराइल का इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी है, जिसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि इंडियन बिजनेसमैन अडानी भी हाइफा बंदरगाह में 70% की हिस्सेदारी के साथ इस पर मालिकाना हक रखते हैं। और हाइफा पोर्ट ही नहीं बल्कि इजरायली एयरफोर्स की रमत डेविड एयरबेस पर भी अब तक के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा हमला किसी और देश ने इसराइल पर किया है। इन हमलों की इंटेंसिटी की बात करें तो इसराइल और हमास के बीच बीते साल 7 अक्टूबर को शुरू हुई इस जंग के बाद से लेकर अब तक ये हिजबुल्ला द्वारा इसराइल के अंदर इतने डीप जाकर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और हिजबुल्ला की तरफ से ये बताया गया है कि इन्होंने अपने इमाद मिसाइल अंडरग्राउंड बेस से ये हमले किए हैं, जिनका मकसद इसराइल द्वारा किए गए पेजर अटैक, वॉकी टॉकी अटैक और बैरूत पर की गई बमबारी का बदला लेना है, जिसमें हिजबुल्ला के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील और अहमद वहाबी की जान चली गई थी। इसराइल पर हिजबुल्ला की तरफ से किए गए इन हमलों को लेकर फिलहाल इसराइल के पीएम नेतन्याहू, इनके डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट और मेजर जनरल्स के बीच एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें आगे की जंग को लेकर स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच ये जंग अब और भी भयंकर रूप लेने वाली है, जिसमें एक तरफ जहां हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल को बर्बाद करना चाहता है, तो वहीं इसराइल दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्ला का सफाया करना चाहता है। अब देखना होगा कि इनमें से कौन अपने मकसद में पहले कामयाब हो पाता है। इस मैटर पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें।